हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइपिंग तनवीर में। दोस्तों, लैपटॉप चाहे ब्रांडेड हो चाहे जो भी कंपनी का हो जैसा भी हो, लेकिन हम सभी लोग एक समस्या से बहुत परेशान रहते हैं, वो है लैपटॉप के बैटरी बैकअप से। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको कि आप अपने लैपटॉप के बैटरी बैकअप को कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे कुछ हम इसमें कुछ ट्रिक की बात करेंगे कि हम अपने लैपटॉप की बैटरी बैकअप को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी न्यू अपडेट आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज, अभी इन्वर्टर और जनरेटर से चार्ज न करें। दूसरी चीज ये कि अपने लैपटॉप को चार्ज करते वक्त यूज ना करें। तीसरी चीज ये कि जब भी लैपटॉप आपका चार्ज में लगे तो मैक्सिमम आप ये ध्यान रखें कि 80% से अधिक चार्ज ना करें, और जब डिस्चार्ज हो तो पूरा डिस्चार्ज का ध्यान न रखें कि पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा तब चार्ज में लगाएंगे। कम से कम 20-25% बाकी रहे तभी आप उसको चार्ज में लगा दें। अगर आप अपने लैपटॉप को यूज कर रहे हो और आपका वाईफाई या ब्लूटूथ जो भी है उसकी जरूरत नहीं है तो उसको आप ऑफ रखें, ताकि बैटरी बैकअप आपका बचा रहे। अगला पॉइंट है कि लैपटॉप को अगर इंटरनल ड्राइव, एक्सटर्नल डिस्क जैसे यूएसबी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, डीवीडी राइटर हो गया, ये सब चीजें अगर यूज नहीं हो रही है, अगर आप उनका यूज नहीं कर रहे हो, केवल लगाए हुए हो, तो उसको निकाल दें। इससे भी आपके लैपटॉप के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और बैटरी बैकअप इससे हमारी कमजोर होती है। अगला पॉइंट है, जब हम लोग सीडी लगाते हैं तो सीडी को जब हम लोग चलाते हैं तो बैटरी बैकअप ज्यादा खींचता है। इससे यह फायदा है कि अब अपने लैपटॉप में जब भी सीडी या डीवीडी को देखें तो उसको कॉपी करके तब देखें, इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी बैकअप बचेगी। अगला पॉइंट है, आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन सेवर को बंद कर दें, स्क्रीन सेवर का यूज न करें। अगला पॉइंट है दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग जब भी लैपटॉप पे काम करते हैं तो कई प्रोग्राम को खोल कर रख देते हैं, लेकिन एक चीज आपको बता दें, अगर आप केवल एक प्रोग्राम, जैसे सपोज करो कि एमएस वर्ड पे काम करो, लेकिन इसके अलावा आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप या कई प्रोग्राम को ओपन करके रखे हुए हो, लेकिन केवल एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, तो आप जो भी पैकेट में आप खोल के रखे हो उन सभी को बंद कर दें और केवल जिस प्रोग्राम पे आप काम कर रहे हैं उसी प्रोग्राम को ओपन करके रखें। इससे क्या होगा, आपकी बैटरी बैकअप अच्छी रहेगी, आप अपने लैपटॉप की बैटरी बैकअप और आपका बैटरी बैकअप सेव रहेगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है, आप अपने लैपटॉप में रैम का अधिक यूज करें। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि आप अपने लैपटॉप को हाइबरनेट मोड पे रखें, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताएं।